दिस न्यूज इज प्रेजेंटेड बाय बीके हार्डवेयर स्टोर, डिडवी टिकर, हमीरपुर। सभी प्रकार के पेंट, हार्डवेयर, प्लाईवुड, टिम्बल, टाइल्स और मार्बल के लिए संपर्क करें। सिरमौर जिला में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। भारी बारिश के कारण सिरमौर जिला में 64 सड़कें यातायात के लिए अवरुद्ध है, जिनकी बहाली का कार्य युद्ध स्तर पर चला हुआ है। देर रात हुई बारिश सिरमौर जिला में लोक निर्माण विभाग को करीब 1,36,00,000 रुपए का नुकसान हुआ है। अधीक्षण अभियंता लोक निर्माण विभाग VN पराशर ने बताया कि आज देर शाम तक 45 सड़कों के बहाल होने की उम्मीद है और शेष सड़कों को कल बहाल कर दिया जाएगा। अधीक्षण अभियंता ने बताया कि इस बरसात से सिरमौर जिला में लोक निर्माण विभाग को अभी तक 11 करोड़ से अधिक का नुकसान इस बरसात के दौरान हो चुका है। उन्होंने कहा कि इस बार अधिक बरसात होने के कारण लोक निर्माण विभाग को ज्यादा नुकसान झेलना पड़ रहा है। 64 रोड जो है क्लोज है, उनमें से 45 रोड खोल देंगे, 19 रोड जो है कल खुल जाएंगे। आज हमारी जो लॉस है वो 1.36 करोड़ की हुई है और टोटल लॉस जो अब तक हो चुकी है वो 11.03 करोड़ की हो चुकी है। इसमें 6 JCB जो डिपार्टमेंट की लगी हुई हैं, 31 थ्रू कॉन्ट्रैक्टर लगाई हुई है हमने। ये बरसात थोड़ी ज़्यादा हो रही है इसलिए इस बार डैमेज भी ज़्यादा है, पर विभाग जो है इसको कोप अप करने के लिए दृढ़ संकल्प है और उसको साथ साथ में डिपार्टमेंटल JCB प्लस कॉन्ट्रैक्टर की JCB लगा के लेबर वगैरह ला के खोल रहा है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम रमेश शर्मा है और मैं जीवन उत्साह न्यूज़ का मुख्य संपादक हूं। पिछले 2 वर्षों में हिमाचल के अलग अलग जिलों में काम करते हुए हम इस चैनल को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर आपने हमें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आप निराश नहीं होंगे। भले आप 1 महीना इस चैनल को फॉलो करके देखिए, आपको मिलेंगे यहां जागरूकता से जुड़ी हुई वीडियो और आपके परिवार, आपके समाज से जुड़ी हुई वीडियो। सर्च कीजिए जीवन उत्साह न्यूज़ फेसबुक पे और यूट्यूब।